टॉप 10 पावरफुल बेंस पर बेस्ड इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो के पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम टॉप 5 बेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमने 10th पोजीशन से 6th पोजीशन तक के बेंस की बात पार्ट 1 में कर ली है। तो चलो यार, एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 5, बेन टेनिसन, बट नो वॉच टाइमलाइन वाला बेन टेनिसन, जिसे इस वीडियो में हम नो वॉच बेन से रेफर करेंगे। तो नो वॉच बेन विद ओमनीट्रिक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि विदाउट ओमनीट्रिक्स तो नो वॉच बेन इस लिस्ट में आता ही नहीं। लेकिन प्राइम टाइमलाइन के बेन ने जब उसे अपना ओमनीट्रिक्स दे दिया तो इस लिस्ट में वो 5th पोजीशन को डिजर्व करता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यार जिस बंदे ने ओमनीट्रिक्स यूज नहीं किया लेकिन जब उसे ओमनीट्रिक्स मिल गया तो उसके बाद जिस तरह से उसने उस ओमनीट्रिक्स का यूज किया वो आपने देखा ही होगा। जिस तरह से नो वॉच बेन ने क्लॉकवर्क की पावर्स का यूज किया और प्रोफेसर पैराडॉक्स के साथ उनके मिशन को भी कंप्लीट कराया। अब चाहे कह लो कि पैराडॉक्स ने बेन की हेल्प की या बेन ने पैराडॉक्स की, क्योंकि यार दोनों ही एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे थे। हाँ, वैसे मेन हेल्पर तो अपने पैराडॉक्स ही थे, लेकिन भाई जिस तरह से नो वॉच बेन ने ओमनीट्रिक्स और उसकी एलियंस की पावर का यूज किया वो आपने देखा ही होगा। इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इसे 5th पोजीशन को दिया है। और भाई जो नो वॉच बेन है, जब उसने ग्रैंडपा को देख लिया था यानी वो प्लमर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान गया था, तब वो प्लमर्स अकेडमी ज्वाइन करने की भी सोच रहा था। चलो यार, कम से कम कुछ तो उसके साथ अच्छा होगा, कम से कम उसके पास कुछ स्किल्स तो आ ही जाएंगी प्लमर्स रिलेटेड। बात करें अगर 4th पोजीशन की, तो इसे डिजर्व करता है रेडमैन यानी कि एलविडो। एलविडो एजमत का एक फॉर्मर असिस्टेंट था जिसने ओमनीट्रिक्स को रिक्रिएट करने के अटेम्प्ट किए और उसी में वो बेन टेनिसन का इम्परफेक्ट क्लोन बन गया। और तभी से एलविडो अपने गैल्विन फॉर्म में चेंज होने का ट्राई कर रहा था और उसे बेंटन से हिटरेड हो गया। पता नहीं यार इसमें अपने बेंटन भैया की क्या गलती सब किया एलविडो ने और बेंटन भैया से हिटरेड भी करने लगा। एलविडो फीडबैक में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है और एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन में तो एलविडो एक नेगेटिव एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बेलिकस और सेरेना का नेम था एनिकस और कोर्सिका या कर्सिका। एलविडो एक अल्टर्ड ह्यूमन के साथ एक गैल्वन भी था, तो उसके पास काफी अच्छी इंटेलिजेंस ही है एज कम्पेयर टू अदर बेंस जो की अभी तक इंट्रोड्यूस किए गए हैं। थर्ड पोजीशन पर आता है इंटर डायमेंशनल टाइमलाइन ट्रैवलर इओन। आपको क्या लगा इओन एक बेन नहीं है? एक्चुअली इओन एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन का नेगेटिव वर्जन ऑफ बेन है, यानी एक इविल बेन है, या कहें कि हुआ करता था, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम में हुआ था। अब जिस तरह एलविडो को उसके एक्सपीरियंस गैल्वन होने और इंटेलिजेंसी की वजह से 4th पोजीशन दिया है, वैसे ही मैंने इओन की इंटेलिजेंसी और टाइम पावर्स की वजह से उसे 3rd पोजीशन दिया है। इओन के पास भी एक ओमनीट्रिक्स हुआ करता था जिसके साथ कुछ बुरा हुआ और जो उसके लेफ्टओवर पार्ट्स थे उन्हें इओन ने इंटीग्रेट कर लिया अपने गॉन्टलेट के साथ। एक्चुअली इओन एक क्रोनियन था जो कि इंटरडाइमेंशनल एंट्रैपमेंट से एस्केप्ड कर गया था। इओन प्रोफेसर पैराडॉक्स के एनिमीज में से भी है। आप समझ सकते हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स कितने पावरफुल है, और इओन उन्हीं प्रोफेसर पैराडॉक्स के एनिमीज में से है जो कि इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एक पावरफुल कैरेक्टर भी है। नंबर 2, बेंजामिन कर्वी टेनिसन, यानी अपने बेन टेनिसन भैया, यानी कि बेन टेनिसन बेन 10 सीरीज का मेन कैरेक्टर है। तो इसके बारे में तो आपको काफी अच्छी तरह से पता होगा एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर्स या अदर अल्टरनेटिव बेन्स। पता नहीं यार मैं एज कम्पेयर टू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेन टेनिसन तो बेन 10 सीरीज का मेन कैरेक्टर ही है, तो इसके बारे में तो ऑब्वियसली पता ही होगा। क्लासिक सीरीज में प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स से स्टार्टिंग करने के बाद ओमनीवर्स सीरीज में एडवांस ओमनीट्रिक्स का यूजर बेन टेनिसन काफी पावरफुल है, क्योंकि इसके पास सेलेस्टियल सेपियन का एक्सेस है, यानी ये एलियन एक्स की पावर्स को यूज कर सकता है जब तक सेरेना और वेलिकस चाहे तब तक, क्योंकि विदाउट सेरेना और वेलिकस परमिशन तो भाई एलियन एक्स एक फिंगर तक को नहीं हिला सकता है। यार जब बेन 10 फर्स्ट टाइम एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था, तब उसने हैंड कैसे हिला दिया समझ नहीं आया। और बात करें अगर फर्स्ट पोजीशन की, तो वो है अपने बेन 10 भैया की फ्यूचर वर्जन यानी कि बायो बेन 10000 जो कि यूजर है बायोमेट्रिक्स के। बायोमेट्रिक्स जो कि 2 ओमनीट्रिक्स ही है जो कि एक दूसरे से लिंक है और यूजर को अलाउ करते हैं फ्यूजन एलियंस यानी दोनों ओमनीट्रिक्स पर एक साथ स्लैम करने से ये फ्यूजन एलियन को परफॉर्म करना अलाउ करते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि अगर एक ओमनीट्रिक्स का यूज किया जाए तो वो नॉर्मल एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी बेन 10000 नॉर्मल एलियंस के साथ फ्यूजन एलियंस में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है।
है जो कि एक अच्छा एडवांटेज है। बायोमेट्रिक्स में वॉइस कंट्रोल भी है जो कि एक इसका अच्छा फीचर है। और भाई बेन 10000 काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है, स्पेशली बायो बेन 10000। तो आपको क्या लगता है, इन बेन्स के अलावा भी कोई बेन रह गया है जो कि इस वीडियो में नहीं आया हो? तो आप कमेंट में उस बेन के बारे में भी बता सकते हैं और वीडियो को लेकर आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।